तो दोस्तों मेरे सामने खड़ा हुआ है होंडा वालों का एक्टिवा 4G स्कूटर। जिस तरह से आप देख रहे हैं इस स्कूटर की हो रही है सर्विस फ्रेंड्स, इसको 6 साल हो चुके हैं और 6 साल में अब ये पेड सर्विस हो रही है बाहर मैकेनिक के थ्रू। और मैं आया हूँ उन्नति ऑटो सेंटर जो कि अलीगढ़ में पड़ता है, ये एटा चुंगी जो बाईपास रोड है यहीं पर पड़ता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दे दूंगा। तो पूरी सर्विस इस स्कूटर की मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सारी चीज़ें बारीकी से दिखाऊंगा। और बहुत अच्छी तरीके से सर्विस हो रही है, एक एक चीज़ खुल रही है, आप देख पा रहे होंगे। इस समय जो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम होता है इसका एक्टिवा का फ्रंट वाले व्हील का, तो वो इस समय खोल रहे हैं मिस्त्री साहब। और एक्सीलेटर वाला पार्ट भी पूरी तरह से खुला हुआ है, आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से, ये देखिए ये भी खोल रखा है। इसकी भी ग्रीसिंग ऑयलिंग वगैरह हो रही है, और अभी जो ऑयल वगैरह होता है फिल्टर वगैरह होता है वो अभी प्रोसेस स्टार्ट किया नहीं है, वो भी हम करेंगे, तो पूरा दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपके लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन। तो फ्रेंड्स जिस तरह से आप देख रहे होंगे ये पूरी खोल दिया है सिस्टम जो पूरा होता है, अब ये ऊपर वाला पार्ट खोल रहे हैं। मिस्टर साहब एक सवाल था, आप ये जो सर्विस करते हैं स्कूटर की इसका कॉस्ट क्या रहता है प्लीज़ बताएं? 350 रुपये मोबिल ऑयल वगैरह अलग से? जी सब सामान अलग से फ्रेंड्स। और सर्विस का जो कॉस्ट है वो 350 रुपये है, लेकिन ये 350 रुपये लेते हैं बहुत सेटिस्फाइड सर्विस कराते हैं। ये मेरा होंडा एक्टिवा 5G खड़ा हुआ है, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप नया भगा लीजिए और इसको बराबर में भगा लीजिए, आपको लगेगा ही नहीं नया और पुराना, 5 साल पुराना हो गया ये। और भाई की यहाँ से कंटिन्यू सर्विस होती है और इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, बहुत बेहतर सर्विस करते हैं। तो ये ख़राब हो गया था, इसका क्या कॉम्बी ब्रेक सिस्टम? नहीं, इसमें ऑयलिंग की जा रही है ताकि ब्रेक वायर बने रहें। तो हर सर्विस पे करते हैं क्या, इसी सर्विस पे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं इसको? ये पहली बार आए, इसलिए पहली बार किए जा रहे हैं। अच्छा, पहली बार आए, मतलब आप हर बार में करना, जब भी ज़रूरत लगे किसी पार्ट में तो आप उसको खोलिए। हाँ, तो एक सर्विस छोड़ के ये वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है जो ग्रीसिंग वगैरह है, तो ये करते ज़रूर हैं। ये भैया जो हमारे मिस्त्री साहब हैं, इनका नाम है आदिल अंसारी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका फ़ोन नंबर मिल जाएगा, किसी तरह की कोई क्वेरी है तो पूछ भी सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया का जुगाड़, ये इन्होंने इसका जो ब्रेक का तार होता है उसमें ये पेट्रोल से इसकी धुलाई कर रहे हैं, किस तरह से जुगाड़ बनाया है पाइप को, तो देखिए आपको दिख रहा होगा ऊपर नीचे साइड से कर रहे हैं यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, ब्रेकिंग में जो कचरा आ जाता है, गंदगी आ जाती है, तो ये पेट्रोल इसको साफ कर देता है और इससे आपकी स्मूथिंग आ जाती है ब्रेकिंग सिस्टम में। इस टाइप से हो रहा है, मतलब मेरे ख्याल से तो कहीं सर्विस वाले इस चीज़ को करते नहीं होंगे, क्यों भाई सब करते हैं, नहीं करते हैं इस प्रोसेस को। ये देखिए किस तरह से गंदगी निकल रही है, ये देखिए बिल्कुल साफ तेल आ रहा है, गंदगी पूरी तरह से पहले निकल गई, मिस्टर आपके हाथों पे लगी हुई है, ये देखिए ये प्रोसेस होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। पेट्रोल के बाद इन लोगों ने इसमें मोबिल ऑयल डाल दिया मिस्टर साहब ने, ताकि मोबिल ऑयल से भी इसकी सफाई हो सके। ये पूरा वायर होता है फ्रेंड्स, पीछे तक जा रहा है, इसी से ब्रेक लगता है और पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। जो भी कचरा फंस जाता है, क्योंकि कंटिन्यू लगता रहता है और कचरा बीच में फंस जाता है, उससे दिक्कत होती है और ब्रेक जाम होने के चांसेस बने रहते हैं। ये कुछ इस टाइप से आगे का और पीछे का दोनों का हो रहा है, देखिए कुछ इस टाइप से हो रहा है। ये देखिए जिस तरह से आपको दिख रहा होगा, ये जो है आपका है, ये है एक्सीलेटर, ये है अगला ब्रेक, आपको दिख रहा होगा ये अगला ब्रेक का है और ये पिछला ब्रेक है। ये देखिए इन्होंने लगा दिया पिछले ब्रेक की सफाई करके, ये तीनों पूरी ऑयलिंग से बहुत अच्छे से हो रहा है। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपके सर्विस जब होती है स्कूटर की तो इस तरह से काम होता है या नहीं होता है, हमारे यहाँ तो होता है। ये देखिए ऊपर से जो तेल पड़ा था, देखिए फ्रेंड्स नीचे आने लगा है, ये इस तरह से सफाई होती है। अब देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस हो चुका है, अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट स्टेप है वो ऑयल निकलने का, मोबाइल ऑयल जो पुराना है स्कूटर में जो किस टाइप का निकल रहा है वो देखते हैं। अभी ये बोल्ट खोल रहे हैं मिस्टर साहब, जिस तरह का दिख रहा होगा बोल्ट, ये देखिए ये निकला पुराना वाला। बहुत गंदी स्थिति है। कैसी स्थिति है सर? बहुत गंदी स्थिति है। अच्छा, कम लमसम इन्होंने कितने समय से सर्विस नहीं कराई है? इन्होंने लगभग 3000 किलोमीटर गाड़ी चला दी। 3000 किलोमीटर दोस्तों गाड़ी चला ली, मतलब लमसम कितना चलाना चाहिए तो मोबिल ऑयल चेंज होना चाहिए? 2000 के दोस्तों अंदर अगर किलोमीटर गाड़ी चल जाए आपकी, तो आपको अपना मोबिल ऑयल स्कूटर का चेंज करवा लेना चाहिए, जिससे आपका इंजन स्मूथली वर्क कर सके। ये देखिए कितनी गंदी कंडीशन है। कौन सा डालेंगे इसमें सर? इसमें डालेंगे 10W30 हीरो ऑयल। हीरो वालों का 10W30 इसमें मोबिल ऑयल पड़ेगा। कितना ML पड़ता है एक्टिवा 4G में? इसमें 850 ml 850 ml पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो फिल्टर खोल रहे हैं मिस्त्री साहब, ये है इसका फिल्टर कंडीशन, देखते हैं फ्रेंड्स के फिल्टर की कंडीशन क्या है। भाई साहब ने तो 3000 पूरी तरह से गंदा है, देखिए देख पा रहे हैं किस तरह से गंदा है। मिस्त्री साहब नया ही डालेंगे फिल्टर? नया ही पड़ेगा। हाँ,
देखिए ख़राब हो गया, अब नया पड़ेगा और ये इसकी भी सफाई करेंगे, उसके बाद इसकी सेटिंग वगैरह जो भी होगी वो दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये नया पुराना फ़िल्टर है आपको दिख रहा होगा, अब इन्होंने नया फ़िल्टर कस दिया है और सफाई वगैरह कर दी है। अब इसका जो फ़िल्टर वाला चैम्बर है इसको बंद कर रहे हैं मिस्टर साहब, ये हो गया कम्प्लीट। अब नेक्स्ट इसका नीचे वाला चैम्बर जो है वो खुलेगा, वो देखते हैं उसकी कंडीशन कैसी है। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्लच शू जो होता है इसका, उसकी सफाई वगैरह होगी। ये खुल गया इसका ये चैम्बर क्लच शू वाला, देखिए धूल कितनी है, ये सब सफाई करेंगे मिस्टर साहब। और इसको खोल रहे हैं क्लच शू को, इस तरह से खुलता है इसका ये पार्ट होता है खोलने का, और चाबी की मदद से। कितने नंबर की चाबी है भैया ये? 19 नंबर के पाने से ये खुल गया और इसकी होगी सफाई। ये देखिए कितनी धूल है, ये सब साफ़ करेंगे मिस्टर साहब, आपको दिख रहा होगा। किसी तरह की और क्वेरी है रिगार्डिंग सर्विस तो पूछ सकते हैं कॉल करके इन आदिल भाई को। ये देखिए बेल्ट, अच्छा एक एक्टिवा की बेल्ट कितने किलोमीटर पे चेंज होती है भैया? 26,000 किलोमीटर के बाद चेंज करा देनी चाहिए, कभी भी धोखा दे सकती है, 26 का 30 हो जाए कोई बात नहीं। और ये देखिए ये पूरा साफ़ करेंगे क्योंकि इधर अंदर की सफाई ज़रूरी रहती है। ये देखिए जो अंदर की सफाई है वो ब्रश की मदद से हो रही है, देख आपको दिख रहा होगा जो पेंट करने वाला ब्रश होता है उसकी मदद से ये साफ करें। धूल देखिए कितनी किस कदर से, देखिए निकल रही, निकल तो दिखाई दे रही धूल, ये देखिए क्योंकि धूल भर जाती है। ये एयर फिल्टर के थ्रू धूल आती है ना? नहीं, ये पंखा खींचता है। फ्रेंड्स ये जो फ़ैन है, ये जो फ़ैन आपको दिख रहा है ये फ़ैन धूल खींचता है और यहाँ इकट्ठी हो जाती है, उसको ये सफाई कर रहे हैं, देखिए कुछ इस टाइप से साफ हो रही है। मिस्टर साहब आप एक बार अपनी ज़बानी बताइए इसका पूरा मतलब ये मैकेनिकल की जो आपने खोला है क्या होता है ये सिस्टम? ये जो फ़ैन होता है ये क्लच शू को ठंडा करने के लिए होता है, यानी कि इंजन को ठंडा करने के लिए हवा खींचता है, ठीक है, ताकि ठंडा हो जाए और यहाँ से इसकी हवा बाहर आ जाती है, ठीक है, यहाँ से लेता है ये चेचिस में से पीछे से और यहाँ से निकल जाती है, ठंडा करने के लिए होता है। उसके साथ धूल मिट्टी खिंचाती है तो धूल मिट्टी को साफ़ करना पड़ता है, जब हम साफ़ कर देंगे तो क्लच बहुत अच्छा चलेगा, इंजन बहुत अच्छा चलेगा इनका, ठीक है, थैंक यू। ये देखिए क्लच शू को साफ़ कर रहे हैं मिस्टर साहब, यही तो गियर को शिफ्ट करवाता है ना? नहीं, ये क्लच होता है उठान के लिए। अच्छा ठीक है, देखिए ये है क्लच शू जिसकी मिस्टर साहब सफाई कर रहे हैं। ये लेदर का पैड होता है, दिख रहा तो आप दिख रहा होगा, ये पूरी तरह से खुरदरा कर देंगे ताकि ये स्मूथ चले। तो जिस तरह से सफाई कर रहे हैं, सफाई करके फिर से इसमें इंस्टॉल कर देंगे और बेहतर हो जाएगी गाड़ी की कंडीशन। ये देखिए इस तरह से चिकना सा होता है ये पूरा, इसको खुदरा कर रहे हैं, ये देखिए। तो इसकी क्या यही पहचान होती है जो ये चिकना हो जाता है मिस्टर साहब? जी, गाड़ी वाइब्रेट करने लगती है। जब गाड़ी आपकी वाइब्रेट करने लगे, ये एक्टिवा जो भी आपकी स्कूटर है, तो इसका मतलब ये आपका क्लच शू चिकना हो गया। इसको आप अपने किसी भी नज़दीकी मिस्त्री से या आदिल भाई से इसको घिसवा लें और सही करवा लें और अच्छी सर्विस के लिए यहाँ पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और दोस्तों एक पड़ाव और बता दूं, जब भी आप सर्विस कराएं तो ये वाला पार्ट ज़रूर खुलवाएं क्योंकि ये घिसना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि आपकी गाड़ी में स्मूथनेस बनी रहे। दोस्तों मैं बता दूं, बहुत से मिस्त्री इस चीज़ को खोलते नहीं हैं, बचते हैं अपनी मतलब लेबर गिरी करने से, मजदूरी करने से बचते हैं, लेकिन आप उनको जब हिदायत देंगे तो ज़रूर खोलेंगे वो। ये जो चैम्बर है इसको मिस्त्री साहब कस रहे हैं, जो क्लच शू का चैम्बर था ये कस कर फिर अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा मिस्त्री साहब? उसकी ब्रेक साफ करेंगे हम। अब ब्रेक साफ होंगे फिर उसके बाद आपकी जो ये एक्टिवा 4G है ये बिल्कुल रेडी है चलने के लिए। देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया तरीके से काम हो रहा है, मोबिल ऑयल एक एक पार्ट में पड़ रहा है इसके, देखिए ताकि गाड़ी में स्मूथनेस बनी रहे। ये किक वाले पार्ट में पड़ रहा है और ये आपका जो साइड स्टैंड होता है उसमें लगा रहे हैं, मतलब एक एक पार्ट में ये मोबिल ऑयल लगाते हैं ताकि आपकी गाड़ी में बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके। तो जो नेक्स्ट पार्ट है सर्विस का वो जो नया मोबिल ऑयल है वो पड़ रहा है हीरो वालों का 40-10W-30SL करके, ये 850 ml इसमें पड़ेगा। मिस्टर साहब इसको खोल रहे हैं फिर डालेंगे, प्रोसेस दिखाता हूँ डालने का किस तरह से पड़ता है। एक चीज़ मैं बता दूँ, इसका ढक्कन खुलता नहीं है, ये हमेशा टूट के निकलता है क्योंकि लोकल बनने के चांसेस रहते हैं, तो कंपनी ने कुछ इस टाइप से इसकी पैकिंग करी है कि आप इसको तोड़ के ही निकालेंगे। देखिए कुछ इस टाइप से मिस्टर साहब ने अभी प्लास्टिक से तोड़ा था, आप इसमें छेद करेंगे और फिर इसमें इसके अंदर डालेंगे। ये पाइप लगा दिया है, ये देखिए कुछ इस टाइप से नया है मोबिल ऑयल पूरी तरह से और इसके अंदर पड़ रहा है 850 ml ना मिस्टर साहब? 850 ml पड़ता है इसमें, देखिए कुछ इस टाइप से पड़ रहा है। मिस्टर साहब अपने हिसाब से बचा लेंगे क्योंकि 900 ml होता है इसके अंदर। ये देखिए पड़ गया इसके अंदर मोबाइल, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है।
दोस्तों अगर आप पैसे दे रहे हैं तो पीछे वाला पहिया भी ज़रूर इसका घिसवाएं, जो ब्रेक शू होता है पीछे वाला, क्योंकि इनका तो मेरे ख्याल से ब्रेक शू ख़त्म है क्या, है अभी गुंजाइश, घिस के चल जाएगा। देखिए आपको मैं पास से दिखाऊं, तो ये पीछे वाला इन लोगों ने पहिया, हमारे जो मिस्त्री साहब हैं इन्होंने पीछे वाला पहिया भी खोला है ताकि ब्रेक पीछे के अच्छे से लग सके, और बरसात का सीज़न चल रहा है, मौसम चल रहा है, और स्किड वगैरह ना हो गाड़ी, अच्छे से ब्रेकिंग वगैरह लग सके। ये देखिए इसको घिसेंगे और लगा के इसको फिट कर देंगे, ये प्रोसेस था नेक्स्ट। देखिए कुछ स्टेप से घिस रहे हैं, ये देखिए इसको पूरी तरह से खुरदरा कर देंगे ताकि आपकी ब्रेकिंग बढ़िया हो। ये कुछ स्टेप से कर रहे हैं, और इसका ये वाला पार्ट भी साफ़ करेंगे जिसके अंदर ये ब्रेक शू जो होता है चलता है। ये भी देखिए काफ़ी गंदा हो रखा है, ये देखिए मैं आपको पूरी तरह से पास से दिखाऊं किस तरह से इसकी सिचुएशन होती है। ये देखिए अब हो गया साफ, अब इसका साफ़ करेंगे फिर इसको कस देंगे इसके अंदर। देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे मिस्त्री साहब, मोबिल ऑयल लगाया, और ये बता दूं जो मोबिल ऑयल यूज़ हो रहा है, मोबिल ऑयल वो बिल्कुल नया यूज़ हो रहा है इसमें। अभी अभी मेरे सामने इन्होंने नया मोबिल ऑयल डाला था, ये देखिए, और ताकि अच्छे से वर्क कर सके वो, इसलिए उस वाले सॉकेट में डाल रहे हैं ताकि बढ़िया से वर्क कर सके और फिर इसके अंदर ब्रेक शू कसा जाएगा। ये देखिए मैं पास से दिखाऊं आपको, ये पार्ट है इसका, ये ब्रेक शू बिल्कुल घिसने के बाद, अच्छे से वर्क करवाने के बाद अब मिस्त्री साहब जो हैं पीछे वाला जो टायर होता है उसको कस रहे हैं। ये देखिए कुछ इस टाइप से चाबी लगा दिए, तो थोड़ी टेक्निक यूज़ करिए, चाबी लगा कर और फिर पहिए को घुमा दिया ताकि ये अच्छे से कस जाए। अब इसको चाबी की मदद से बिल्कुल अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि आपका जो पहिया है वो अच्छे से परफॉर्मेंस दे सके। ये देखिए कितनी मेहनत से और कितनी ताकत से इसको पहिए को कसा जा रहा है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अब मिस्त्री साहब ने गाड़ी को कर दिया स्टार्ट, चेक कर रहे हैं, अब माइलेज सेट हो रहा है। दोस्तों बहुत अहम जो पार्ट होता है गाड़ी की सर्विसिंग का वो हो रहा है। इनके पास एक ये मीटर है जिसकी मदद से, ये आरपीएम मीटर कहलाता है, आरपीएम सेट किए जाएंगे और माइलेज आपका अच्छा किया जाएगा। अब मेरे साथ इस पूरी वाली स्लाइड में बने रहें क्योंकि मैं दिखाऊंगा किस तरह से ये माइलेज सेट करेंगे। ये अभी पूरा जो इसकी बॉडी होती है सेट कर रहे हैं, कुछ इस टाइप से इन लोगों ने यहाँ पर बोल्ट वोल्ट को कस रहे हैं, और नंबरिंग है ये देखिए, मैं इनसे बात करवाऊंगा, ये करते भी रहेंगे और आपसे भी जानकारी देते रहेंगे आप लोगों को, बताते रहिए। दूसरा एवरेज जो है वो हम सेट कर रहे हैं, और ये मीटर आपको अगर नहीं भी होता है तो भी आप इंजन के हिसाब से एवरेज सेट कर सकते हैं इस वाले पेज की मदद से, जो पेज पे हम मैंने पेचकस लगाया है, इसको आप फुल टाइट करके और आधी चूड़ी खोल कर फिर अपने हिसाब से इंजन की साउंड के हिसाब से एवरेज सेट कर सकते हैं अगर आपके पास मीटर नहीं है, और आपके पास मीटर है तो मीटर एक बार में एकज एवरेज सेट कर सकता है। तो आप लोगों को बताया मिस्टर साहब ने, वो आप ध्यान में रखिए, और अभी भी एवरेज सेटिंग की जो प्रोसेसिंग है वो चल रही है। मैं इधर से दिखाऊं आपको, ये देखिए पेज कट की मदद से ये करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता पर ये मुझे ये ज़रूर पता है कि ये एवरेज सेट हो रहा है, बहुत ध्यान लगा कर किया जाता है ऑब्जर्वेशन से। और अगर आपको भी अपने एक्टिवा का माइलेज बढ़वाना है तो ये सेटअप ज़रूर करवाएं। ये देखिए जिस तरह से मिस्त्री साहब कर रहे हैं, ये बहुत अहम रोल होता है किसी भी एक्टिवा के यानी किसी भी स्कूटर के माइलेज को बढ़ाने के लिए, इस मशीन की मदद से कर रहे हैं। देखिए ये जो मीटर होता है, मतलब सेटिंग का ही खेल होता है, पेज की सेटिंग से ही माइलेज बढ़ाया जाता है। देखिए इधर से भी दिखाऊं, हर एंगल से दिखाऊंगा मैं आपको, दो तीन मिनट तो हो गए करते करते सेट। ये देखिए हो चुका है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। ये पार्ट जो है, जो आपका फुट रेस्ट होता है पैर रखने का, ये रिक्शे वगैरह से या छोटे मोटे एक्सीडेंट से टेढ़ा हो जाता है, तो मिस्त्री साहब उसको सीधा कर रहे हैं इस बहुत बड़ी रॉड की मदद से। देखिए देखिए टेढ़ा था, बिल्कुल सीधा कर दिया इन्होंने। ये होती है सर्विस, मतलब ये होती है सर्विस, एक एक मतलब जब कोई मिस्त्री एक एक पार्ट को देखता है और स्कूटर को अपना स्कूटर समझता है और बहुत अच्छे से करता है, मतलब उन्हें लगा कि ये वाला पार्ट भी टेढ़ा है तो उन्होंने इसको भी कर दिया, और मिस्त्री होता तो शायद नहीं कर पाता। अब देखते हैं अगला प्रोसेस क्या बताते हैं मिस्त्री साहब। जो है गाड़ी एक्टिवा 4G BS4 है, मिस्त्री साहब ने सर्विस पूरी कर दी है, पूरी हो चुकी है, और मैंने अभी पूछा मिस्त्री साहब से, खुद ही आपको पूछवा देता हूँ,
मिस्टर साहब इसका माइलेज कितना निकालेगी अभी? ये 45 से 50 के बीच में रहेगा माइलेज इसका। पूरी तरह से भरोसा है आपको? जी आपको चेक करवा सकते हैं। इनकी सर्विस पे इनको पूरा भरोसा है, 45 से 50 के बीच में इसका माइलेज रहेगा। अगर कोई भी सर्विस करवाना चाहता है आपके यहाँ पर तो पूरा कॉस्ट बता दीजिए। अगर वो एक्टिवा की सर्विस कराना चाहता है किसी भी स्कूटर की तो कितना आता है आपके यहाँ कॉस्ट, सब कुछ जोड़ कर बताइए। लगभग 800 रुपये का, 850 रुपये का खर्चा आ जाता है। तो दोस्तों लगभग 800 और 850 के बीच में खर्चा आता है और जो सर्विस की कॉस्ट है वो 350 रुपये है। तो ये पूरी वीडियो थी होंडा वालों की एक्टिवा 4G की सर्विस के बारे में दिखाई, एक एक पहलू आपको बहुत बारीकी से दिखाया। ये क्या कर रहे हैं आप? ये ग्रीस है। अच्छा, ग्रीसिंग कर रहे हैं। नॉर्मली मिस्त्री नहीं रखते हैं। मिस्त्री नॉर्मल वाले नहीं रखते। देखिए बहुत बढ़िया वाला है, कौन सा है? जिग्मा का है। तो ये भी इन लोगों ने, ये भी इनको लगा कि हाँ इसमें होना चाहिए तो कर रहे हैं, ग्रीसिंग भी कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। किसी तरह की क्वारी के लिए फ़ोन नंबर मैं बता दूं, देखिए 8191910806 इनका फ़ोन नंबर है, तो उस पर कॉल करके अपनी क्वेरी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।